Hello children, today is 1st April 2020. We have started with chapter 3 yesterday and today we are going to continue with the same with a new topic. Today we will take the topic transformation of sentences from affirmative to negative. Affirmative ka matlab hota hai positive. Ab aage main read kar rahi hu, ab dhyan se sunenge aur dekhenge. An affirmative sentence can be changed into a negative sentence with a change in its meaning. जब affirmative sentence negative sentence में change होता है तो sentence की meaning भी बदल जाती है. Example देखिए, my sister lives in Goa. ये affirmative sentence है, मेरी sister Goa में रहती है. अब आगे देखिए, my sister does not live in Goa. This is negative sentence as we are using the word not in the sentence. तो sentence की meaning बदल रही है जब हमने negative form में change किया तो. अब हमारा नया sentence क्या बना? My sister does not live in Goa. मेरी sister Goa में नहीं रहती. ठीक है? Second example देखिए. I have many friends. This is affirmative sentence. I have many friends मतलब मेरे बहुत सारे friends हैं. I have no friends. मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो आपने देखा कि सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जा रही है जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं. तो एन अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. और हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं बिना सेंटेंस की मीनिंग को बदले हुए. देखिए एग्जाम्पल कि कैसे. यूजिंग नॉट प्लस प्रीफिक्स. एग्जाम्पल देखिए, ही इज ऑनेस्ट. अब नेगेटिव फॉर्म इस सेंटेंस का क्या हुआ? ही इज नॉट डिसऑनेस्ट. मीनिंग सेंटेंस की दोनों जगह सेम है, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी. ही इज ऑनेस्ट मतलब वो ऑनेस्ट है. नेगेटिव फॉर्म इसका क्या लिखा हमने? ही इज नॉट डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट वर्ड का ऑपोजिट वर्ड है. इसीलिए दोनों तरफ अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी सेंटेंस की मीनिंग सेम टू सेम है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. शी इज़ कंफर्टेबल. उसका नेगेटिव फॉर्म क्या बना? शी इज़ नॉट अनकंफर्टेबल. अगेन यू कैन सी अनकंफर्टेबल इज़ ऑपोजिट ऑफ कंफर्टेबल. अगर हमने नॉट वर्ड यूज़ कर लिया, शी इज़ नॉट अनकंफर्टेबल मतलब वो अनकंफर्टेबल नहीं है. तो दोनों साइड आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की मीनिंग सेम है, लेकिन नॉट वर्ड का यूज़ करने के बाद नेगेटिव फॉर्म बन गया सेंटेंस का. ऑलराइट, आगे देखिए. इट वॉज थॉटलेस ऑफ यू टू से सो. इसका नेगेटिव फॉर्म क्या बना? इट वॉज नॉट थॉटफुल ऑफ यू टू से सो. आप नेगेटिव साइड में देखिए कि थॉटफुल वर्ड थॉटलेस वर्ड का ऑपोजिट है. जब हमने नॉट यूज़ कर लिया तो वो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज तो हो गया, लेकिन दोनों साइड सेंटेंस की मीनिंग सेम है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. शी इज़ क्लूलेस अबाउट हाउ टू डू द वर्क. अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है इसका? शी हैज़ नो क्लू अबाउट हाउ टू डू द वर्क. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लूलेस का ऑपोजिट है क्लू. जब हमने नो वर्ड ऐड कर दिया तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव तो बन गया, लेकिन मीनिंग सेम है दोनों साइड. ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे. ही इज़ अ गुड बॉय. इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? इसका नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगा? ही इज़ नॉट अ बैड बॉय. ठीक है, तो आपने देखा गुड का ऑपोजिट क्या होता है? बैड. और हमने जब बैड के साथ नॉट का यूज़ किया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया. ठीक, ही इज़ अ गुड बॉय वो अच्छा लड़का है. ही इज़ नॉट अ बैड बॉय वो बुरा लड़का नहीं है. तो दोनों साइड आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की मीनिंग तो सेम है, लेकिन क्योंकि हमने नॉट वर्ड्स का यूज़ जब कर लिया तो वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया. नेक्स्ट देखिए. दिस ड्रेस इज़ चीप. ये ड्रेस सस्ती है. चीप का मतलब सस्ती. इसका नेगेटिव फॉर्म, दिस ड्रेस इज़ नॉट एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव चीप का ऑपोजिट है, और नॉट जब हमने ऐड किया तो वो नेगेटिव फॉर्म बना, लेकिन इसकी मीनिंग क्या रही? सेम रही. दिस ड्रेस इज़ नॉट एक्सपेंसिव. ये ड्रेस एक्सपेंसिव नहीं है, महंगी नहीं है. तो
क्लियरली यू कैन सी कि दोनों साइड अफर्मेटिव में और नेगेटिव में सेंटेंसेस की मीनिंग सेम रह रही है. आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन फाउंड द प्ले इंटरेस्टिंग. सबको प्ले इंटरेस्टिंग लगा. इसका नेगेटिव फॉर्म है नो वन फाउंड द प्ले अनइंटरेस्टिंग. अब इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट हो गया अनइंटरेस्टिंग, और एवरी वन के बदले हमने क्या लिखा, नो वन. ठीक है, तो एवरी वन फाउंड द प्ले इंटरेस्टिंग, सभी को प्ले इंटरेस्टिंग लगा. इसका ऑपोजिट, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या बना, नो वन फाउंड द प्ले अनइंटरेस्टिंग. किसी को भी ये प्ले अनइंटरेस्टिंग नहीं लगा. ठीक है, एवरी वन की जगह हमने नो वन लिखा, इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट अनइंटरेस्टिंग लिखा. ठीक, नेक्स्ट देखिए, दिस इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट. सिर्फ यही चीज है जो मुझे चाहिए. इसका नेगेटिव फॉर्म क्या है, आई वॉन्ट नथिंग बट दिस थिंग. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मुझे सिर्फ वही चीज़ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो ओनली थिंग की जगह हमारा नथिंग वर्ड आ गया नेगेटिव फॉर्म में. ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर यू टू मेक अमेंड्स. हमेशा कुछ ना कुछ सुधार करने के लिए स्कोप होता ही है, चांसेस होते ही हैं. इसका नेगेटिव फॉर्म क्या है, इट इज़ नेवर टू लेट फॉर यू टू मेक अमेंड्स. कभी भी इतनी देर नहीं होती कि आप अपने आप को चेंज ना कर पाए. दोनों साइड पे मीनिंग सेम है. देयर इज ऑलवेज, ऑलवेज की जगह हमारा इधर नेगेटिव फॉर्म में नेवर वर्ड का यूज हुआ है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द क्रैश विक्टिम वॉज टू वीक टू वॉक. क्रैश विक्टिम का मतलब किसी एक्सीडेंट में जो घायल हुआ उस, वो बहुत वीक है चलने के लिए. इसका नेगेटिव फॉर्म, द क्रैश विक्टिम वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक. वो इतना वीक है विक्टिम कि वॉक नहीं कर सकता. तो टू वीक की जगह सो वीक वर्ड हमारा नेगेटिव फॉर्म में आया है, एंड द वर्ड कुड नॉट इज यूज्ड, विच इज मेकिंग द सेंटेंस नेगेटिव, बट द मीनिंग बोथ द साइड रिमेन्स द सेम. नाउ लुक हियर एट एक्सरसाइज सी. यहाँ आपको चेंज करना है सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. बिना मीनिंग चेंज किए ये सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है. आई एम टेलिंग यू हाउ यू विल डू इट. ही इज ऑनेस्ट. अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट. ऑल राइट, वैसे ही सेकेंड वाला देखिए, द आयरन इज अ हैवी मेटल. उसका आप नेगेटिव फॉर्म क्या लिखेंगे, यू विल ट्राई डूइंग इट एंड आई विल टेल यू द आंसर टुमारो. दैट इज ऑल फॉर टुडे. यू विल डू इट टिल नंबर 12. पूरा का पूरा 12 तक आप अटेम्प्ट करिए, करने की कोशिश करिए. ठीक है, और इसका आंसर आपको कल मैं बताऊंगी. थैंक यू फॉर टुडे.